इंदौर शहर में शनिवार सुबह 8:30 बजे तक हुई 10.3 इंच बारिश ने 24 घंटे में सर्वाधिक बारिश का 39 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। भारी बारिश के चलते ग्रामीण और शहरी इलाके जलमग्न हो गए। इंदौर के 50 से ज़्यादा इलाकों में पानी घुसने से लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुँचाया जा रहा है। शहर में बारिश के कारण विकट हुई स्थिति को देखते हुए सांसद शंकर लालवानी ने बारिश और गंभीर समस्याओं वाले इलाकों में मौका मुआयना किया और प्रभावित लोगों तक मदद पहुंचाने के निर्देश भी दिए। इसी को लेकर SW24 न्यूज़ टीम ने इंदौर सांसद शंकर लालवानी से मुलाकात कर हालात जाने। उन्होंने बताया कि सभी नगर निगम की टीम और SDERF की टीमों को राहत बचाव कार्य में लगा दिया था, जिससे लोगों को बोट के जरिए लाया गया। सुबह 4 बजे से ही इंदौर कंट्रोल रूम पर कलेक्टर मनीष सिंह और DIG हिनारायण मिश्र के साथ मिलकर तुरंत सभी विभागों में काम पर लगा दिया था, जिसमें अब स्थिति सामान्य होने की राह पर है। कई सामाजिक संस्थान भी राहत कार्य में लग गए। इस बीच उन्होंने इंदौर की जनता से अपील की है कि त्यौहार में हम सुरक्षित और सही रूप से घर में रहें, त्यौहार मनाएं। इंदौर ब्यूरो राकेश सच्चा के साथ मंथन सेन और दीपक सिंह की रिपोर्ट। पिछले 24 घंटों से इंदौर में बारिश का कहर जारी था, जिस वजह से आज देखा गया कि इंदौर का जो जनजीवन था वो बिखर चुका था। पूर्वी क्षेत्रों में देखा गया है कि पानी भराव से इंदौर की सड़कें भर गई थी, घरों तक पानी पहुंच गया था, जिसमें आज आपने सुबह इंदौर के क्षेत्रों का प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया था। अब क्या स्थिति है इंदौर में बारिश को लेकर, बाढ़ की स्थिति कैसी है, क्या तैयारियां हैं प्रशासन की, किस तरीके से आगे आप तैयारियों में लगे हुए हैं और क्या स्थिति है अभी की, हालात क्या है? पिछले 24 घंटों की अगर हम बात करें तो लगातार बारिश इंदौर में हो रही है और पिछले 29-30 सालों का ये रिकॉर्ड रहा है कि पहली बार इतनी वर्षा हुई है। मुझे ध्यान है अगस्त के 81 में इतनी वर्षा हुई थी, लगभग 10-11 अगस्त की बात है, और अब हुई है इतनी ज़्यादा हाई डेंसिटी वर्षा होना। मुझे लगता है उसके कारण हमने देखा कि जो हमारी निचली बस्तियां हैं और ख़ास करके हमारे नदी नालों के साथ जुड़ी हुई बस्तियां, उसमें पानी भरा गया। तो जहाँ जहाँ लो लेवल था वहाँ पानी ज़्यादा भरा है और जैसे ही रात भर पानी गिरा और सवेरे मुझे ध्यान है 4 बजे से फ़ोन आना शुरू हो गए और जैसे ही लोगों के फ़ोन आना शुरू हो गए, वो शहरी क्षेत्र में भी थे, ग्रामीण क्षेत्र में भी थे, दोनों जगह से फ़ोन आने लग गए। मैंने तुरंत कलेक्टर, नगर निगम कमिश्नर, IG, DIG सभी से बात की और मैंने कहा कि हो सकता है कि यह जल स्तर और बढ़े तो हमें तुरंत बैठ के इस पर एक्शन लेना चाहिए। मैंने सभी को कंट्रोल रूम बुलाया और कंट्रोल रूम पे बैठ के स्थिति की जायज़ा लिया। हमारा जशवंत सागर भर गया था, उसके गेट खोलना पड़े। जब उसके गेट खोलना पड़े तो आसपास की बस्तियों में गेट खोलने के कारण पानी का जो जल स्तर था वो बढ़ने लग गया, वहाँ अलर्ट कराया। उसके साथ साथ जो हमारे नदी हों, नाले हों, उनमें जिस प्रकार से उफान आया तो उसके किनारों पे जो रहने वाले लोग हैं, बस्ती है, उसमें पानी भरा गया। हम तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन कराया। जहाँ जहाँ सबसे पहले हमारी ये प्रायोरिटी थी कि जो नदी या नाले के किनारे जो लोग हैं उनको वहाँ से खाली कराया जाए, क्योंकि बाकी बस्ती में, बाकी क्षेत्र में अगर पानी भराता है तो वो नीचे से ऊपर वाली मंजिल में जा सकता है, लेकिन अगर नदी और नाले किनारे किसी का मकान है, अगर वो किसी कारण से ढह जाता है या उनके घरों में पानी निकल जाए तो वैकल्पिक जगह नहीं बस्ती निकलने की। तो सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी ये थी कि जिन नदी नालों के आसपास कच्चे मकान हैं सबसे पहले उनको खाली कराया जाए, फिर उसके आसपास जो बस्तियों में रह रहे हैं उनको खाली कराया जाए। हमने पूरे शहर में सवेरे 4 बजे जब हमको ये मालूम पड़ा, 5 बजे हम बैठे और बैठने के बाद जब निर्णय लिया, उसके बाद 6 बजे हम जहाँ पर हम खुद भी नहीं जा पाते थे, 7-8 फीट तक पानी था तो लोगों का निकलना मुश्किल, बच्चों का निकलना मुश्किल था, तो हमें होमगार्ड की मदद लेनी पड़ी और हमें बोट बुलानी पड़ी। इंदौर में 7 स्थानों पर नावें चली और वहाँ पर हमने उनको निकाल के सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया। कितने लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन हो चुका है, कितने लोगों को खतरे के जगह से बाहर ले आए हैं? लगभग 10 से 12 हज़ार लोग ऐसे हैं जिनको हमको वहाँ से अलग अलग क्षेत्रों से निकालना पड़ा और उनको सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया और नगर निगम ने भोजन की व्यवस्था की थी, बाकी सामाजिक संगठनों के भी फ़ोन आए थे, उन्होंने भी भोजन की व्यवस्था की। कुल मिला के अभी स्थिति नियंत्रण में है, ऐसी कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। एक बच्चे के गुम होने की जानकारी मिली थी लेकिन तुरंत वो थोड़े देर बाद मिल भी गया, ऐसा बताया गया कि पानी में
पैर फिसलने का निकल गया था, लेकिन फिर वहाँ के लोगों ने बचा लिया, तो इससे कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। फिर भी प्रशासन पूरा सचेत है, हमने सभी जोनल अधिकारियों से कहा है जोन पे रहें, सभी TIO को थाने पे रहने के लिए बुलाया है, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी पूरा क्षेत्र का दौरा करें, ग्रामीण क्षेत्र में हमने सभी SDM और CSP उनको कहा है कि आप अपने अपने क्षेत्रों में रहिए, निचला पूरा हमारा जो स्टाफ है वो 24 आवर्स अलर्ट रहेगा, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो। ग्रामीण क्षेत्रों के क्या हालात है? अभी देखा गया था कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों ने भी मदद के लिए गुहार लगाई थी, देखा गया था कि बारिश के वजह से बिजलियां बंद है और सड़क मार्ग बारिश के कारण बंद होने से, अब क्या हालात हैं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, आपकी क्या तैयारियाँ हैं? और कुछ क्षेत्रों में हमने बिजली बंद कराई थी, उसका कारण था कि बस्तियों में पानी भरा गया था, हमको ऐसा लग रहा था कि करंट नहीं फैले तो हमने बस्तियाँ लाइट बंद कराई थी, लेकिन अब वापस वो लाइट चालू हो गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में ज़रूर पानी की शिकायत आई थी कुछ स्थानों पर हमने उन स्थानों पर जो आवश्यक सामग्री है वो पहुँचाने की बात करी, हमने वहाँ पर जो हमारे JCB हैं वो पहुँचाने की बात करी, जो आवश्यक है वो हमने करा है। मुझे लगता है अब स्थिति नियंत्रण में, अब ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।